हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ साजन बेदी। तो मैं अपने चैनल पे बीएससी और प्लस वन टू के बेसिस पे मैथ टॉपिक पे बेसिस पे वीडियोस अपलोड करता हूँ। अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको हर एक टॉपिक का बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा यहाँ पे। और आज हम एक बीएससी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हम करेंगे टेलर्स थ्योरम। ठीक है, टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टेटमेंट में क्या है कि इफ एफ एक्स, एफ एक्स मैं लिखूँ कोई बात नहीं, इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर एक फंक्शन एफ एक्स है कहाँ पे, इन क्लोज इंटरवल ए बी, डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट। फंक्शन डिफाइंड कहाँ पे होता है, जहाँ पे उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो फंक्शन डिफाइंड है, इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन डिफाइंड इन ए बी सच दैट। कंडीशन वन क्या है कि एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स अप टू एफ डैश एक्स का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, डबल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, थर्ड फोर्थ फिफ्थ अप टू एन माइनस वन डेरिवेटिव, सभी के सभी क्या होंगे, कॉन्टीन्यूस होंगे। कॉन्टीन्यूस का मतलब कि इनकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। कॉन्टीन्यूस का मतलब एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करती है। डैट इज लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इक्वल्स टू किसके है, राइट हैंड साइड लिमिट के। तभी तो बोलते हैं कि फंक्शन क्या होता है, कॉन्टीन्यूस। तो उन्होंने क्या बोला कि फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ एक्स क्या है, एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एंड अप टू एफ एन माइनस वन, एन माइनस वन डेरिवेटिव तक सभी फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूज है। और सेकेंड कंडीशन क्या है कि एफ एन एक्स एग्जिस्ट करता है। एफ एन का मतलब कि इसका एंथ फंक्शन का एंथ डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है, सभी बाकी एन माइनस वन तक कॉन्टीन्यूज है और एंथ डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो ऑटोमेटिकली वो उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल, एक रियल नंबर आएगा सी बिलोंग्स टू ए बी। सी एक रियल नंबर कंसिडर किया, आर्बिट्री रियल नंबर। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रियल सी बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग करेगा, ए बी इंटरवल से, सच दैट। ये हमारी थ्योरम की स्टेटमेंट है पूरी की पूरी, सच दैट एफ ओ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस ए, एफ डैश ए प्लस बी माइनस ए स्केयर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए, सो ऑन, बी माइनस ए पावर एन माइनस वन अपॉन बी माइनस ए पावर एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल जो हमारा एन माइनस वन एफ एन माइनस वन, ये क्या हो गया, एंथ डेरिवेटिव, एन माइनस वन डेरिवेटिव आ गया। और प्लस बी माइनस ए पावर एन फैक्टोरियल एन एफ एंथ डेरिवेटिव सी, एफ एन सी। ये हमारी थ्योरम की स्टेटमेंट है कि अगर कि एक फंक्शन होगा डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट कि उसके सारे एन माइनस वन डेरिवेटिव क्या है, कॉन्टीन्यूज हैं और एंथ डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, अगर ये कंडीशन फुलफिल है, देन देयर एग्जिस्ट रियल नंबर सी। तब एक रियल नंबर सी एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ ऑफ बी। अब देखो इंटरवल कौन सा है, फंक्शन कहाँ पे डिफाइंड है, इन क्लोज इंटरवल ए बी। तो हमारे पास एफ ऑफ बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, बी माइनस ए, बी माइनस ए, एफ डैश ए फर्स्ट डेरिवेटिव, बी माइनस ए स्केयर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए। यहाँ पे फैक्टोरियल वन आना था, फैक्टोरियल वन का मतलब वन, तो यहाँ पे बी माइनस ए एफ डैश ए, तो बी माइनस ए स्केयर फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश, साथ में आ जाएगा बी माइनस ए पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल डैश ए। ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव बी माइनस ए पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री, ऐसे ही बी एन माइनस वन डेरिवेटिव बी माइनस ए पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन। तो ये हमारी स्टेटमेंट थी। तो अब इस स्टेटमेंट को, इस थ्योरम को हमने प्रूव करना है, इसका प्रूफ देखते हैं कैसे है। तो प्रूफ के लिए हमें क्या कंसिडर करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये स्टेटमेंट आपको बता दी। अब प्रूफ के लिए हमें एक फंक्शन कंसिडर करना पड़ेगा, इस स्टेटमेंट का प्रूफ चाहिए कि हाँ अगर ये सभी कंडीशंस ट्रू हैं तो क्या ये हमारी स्टेटमेंट भी ट्रू है, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाता है, क्या हम इसको प्रूफ कर लेते हैं, क्या हमें ये वैल्यू मिल जाती है अगर हम ये हमारे फंक्शन जो है इन डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए बी होगा। तो इसके लिए हम एक फंक्शन कंसिडर करेंगे, कंसिडर अ फंक्शन फाई ऑफ एक्स डिफाइंड एज, ठीक है।
तो फंक्शन को डिफाइन कैसे करना है, फाई एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस बी माइनस एक्स एफ डैश एक्स बी माइनस एक्स स्क्वायर पर फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स सो ऑन बी माइनस एक्स एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन एफ एन माइनस वन एक्स अपॉन साथ में प्लस बी माइनस एक्स पावर एन अपॉन नहीं साथ में प्लस बी माइनस एक्स पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन ए, ये ए कंसिडर करना है और ये ए ही हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसको इक्वेशन नंबर वन मैंने कंसिडर कर दिया। अब देखो ये फंक्शन जो मैंने लेट किया है, आपको इसके लिए एक ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे क्या फंक्शन है। अब यहाँ पे क्या है एफ ओ बी, अगर आपको स्टेटमेंट याद हो तो, अगर आपको स्टेटमेंट याद हो तो उसका प्रूफ, प्रूफ में हमें फंक्शन ऐड करना पड़ेगा फाई एक्स। तो हम क्या करना है फाई एक्स ऐड कर लेना। तो यहाँ पे ये जो इस स्टेटमेंट की राइट हैंड साइड है वहाँ पे क्या है, जहाँ जहाँ पे ए लगा हुआ है वहाँ वहाँ पे एक्स कंसिडर कर लेना, जहाँ जहाँ पे ए लगा हुआ है वहाँ वहाँ पे एक्स कंसिडर कर लेना। ये सिंपल सी ट्रिक है कि जैसे वैसे बता दिया कि अगर आपको ये याद नहीं रहता तो फाई एक्स इक्वल्स टू ये देखो एफ ओ एफ एक्स बी माइनस ए बी माइनस एक्स एफ डैश ए था एफ डैश एक्स सभी वहाँ पे आ रहा है और लास्ट में जो एफ एन सी आ रहा है वहाँ पे हमें ए कंसिडर करेंगे और यही ए डिटरमाइन करना है हमें, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वेयर ए इज़ अ कॉन्स्टेंट टू डिटरमाइन सच दैट फाई ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या है फाई ऑफ बी, जो ए है हमारा कॉन्स्टेंट है उसको हमने फाइंड आउट करना है और कंडीशन क्या है कि फाई ऑफ ए इक्वल्स टू हमने कंसिडर क्या कर ली फाई ऑफ बी। अब देखो ये हमारा फाई फंक्शन था फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स बी माइनस एफ डैश एक्स बी माइनस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स सो ऑन, अब चलते रहे ठीक है। तो अब उन्होंने कंडीशन क्या कही है कि फाई ऑफ ए इक्वल्स टू क्या है फाई ऑफ बी के, अगर फाई ऑफ ए इक्वल्स टू फाई ऑफ बी के है तो क्या करेंगे। देखो इक्वेशन नंबर वन जो है फाई एक्स, जहाँ पे x है वहाँ पे a पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा फाई ऑफ ए ही आएगा ना, फाई ऑफ ए इक्वल्स टू फाई ऑफ बी। तो फाई ऑफ ए क्या आ गया फाई ऑफ x की वैल्यू क्या थी एफ एक्स थी ना, तो फाई ऑफ ए क्या आ गया एफ ऑफ ए बी माइनस एफ एफ डैश ए। चेक कर लो यहाँ पे इक्वेशन नंबर वन में ही मैं फाई ऑफ ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर वन से, क्योंकि फाई एक्स हमारे पास फंक्शन है तो फाई ऑफ ए क्या आएगा बी माइनस एफ डैश ए ठीक है बी माइनस ए स्केयर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए, जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ वहाँ पे मैंने ए फिल कर दिया। तो हमारे पास ये बन गया ई, यहाँ पर बी माइनस ए पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन और साथ में आ गया ए इक्वल्स टू, अब क्या है इक्वल्स टू फाई ऑफ बी। अब फाई ऑफ बी कैसे आएगा, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ वहाँ पे बी फिल कर दूंगा फाई ऑफ बी। अब यहाँ पे फिल किया देखो फाई ऑफ बी क्या आ गया एफ ऑफ बी, एफ ओ बी प्लस बी माइनस बी एफ ओ बी, एक्स की बजाय मैंने बी पुट किया तो बी माइनस बी क्या बन गया जीरो, ये टर्म खत्म हो गई बी माइनस बी क्या बन गया जीरो। तो सभी टर्म में बी माइनस बी जीरो 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 सभी टर्म जीरो बन जाएंगी, तो हमारे हमारे पास यही टर्म बचेगी देखो फाई ऑफ बी वाई, तो क्या आ गया इक्वल्स टू फाई ऑफ बी। तो फाई ओ बी क्या आ गया हमारे पास एफ ओ बी, एफ ओ बी आ गया, इसका मतलब कि फाई ऑफ ए इक्वल्स टू फाई ओ बी कंसिडर करते हैं तो हमारे पास ये स्टेटमेंट बन जाएगी इक्वेशन नंबर टू बन जाती है। तो अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अब चेक कर लो, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि एफ एक्स एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स और एफ एन माइनस वन एक्स सभी क्या है कॉन्टीन्यूज हैं। अगर ये कॉन्टीन्यूज हैं तो ये देखो ये तो कॉन्टीन्यूज है फंक्शन, तो एफ एक्स एफ डैश एक्स एफ एन माइनस वन बी माइनस एक्स आर कॉन्टीन्यूज इन ए बी एंड डेरीवेबल इन ए बी, ये कॉन्टीन्यूज हैं और डेरीवेबल भी हैं ठीक है। तो हमारे पास अगर ये कॉन्टीन्यूज हैं तो डेरीवेबल भी हैं, तो हम क्या कंसिडर करेंगे चेक करो, कॉन्टीन्यूज भी है और डेरिवेबल भी है ठीक है। एफ एक्स एफ डैश एक्स एफ एन माइनस वन एक्स बी माइनस एक्स पावर एन आर कॉन्टीन्यूज इन ए बी एंड डेरिवेबल भी, देयरफॉर ये सभी के सभी एफ एक्स एफ डैश एक्स एफ एन माइनस वन एक्स सभी क्या है कॉन्टीन्यूज। अगर देखो ये कॉन्टीन्यूज सभी कॉन्टीन्यूज हैं फंक्शन बी माइनस एक्स पावर एन भी कॉन्टीन्यूज हैं, तो इनको मिला के एक फंक्शन बन रहा था फाई एक्स, तो वो भी क्या होगा कॉन्टीन्यूज ही होगा, वो भी क्या होगा कॉन्टीन्यूज। देयरफॉर फाई ऑफ एक्स हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर देखो ना कि ये सारे के सारे फंक्शन क्या है कॉन्टीन्यूज हैं, तो इन सभी से मिला के हमें हमारे पास क्या बना फाई एक्स। तो अगर ये कॉन्टीन्यूज है तो फाई एक्स भी होगा कॉन्टीन्यूज, तो फाई एक्स अगर ये कॉन्टीन्यूज डेरिवेबल भी है तो फाई एक्स कॉन्टीन्यूज और फाई एक्स डेरिवेबल भी होगा, और साथ में फाई ऑफ ए इक्वल्स टू क्या है फाई ऑफ बी, हमें अभी अभी कंसिडर किया कि फाई ऑफ ए इक्वल्स टू क्या है फाई ऑफ बी के ठीक है। तो अब देखो ये तीनों कंडीशन देखो, कोई भी फंक्शन कॉन्टीन्यूज हो किसी इंटरवल में, डेरिवेबल भी हो और फंक्शन की वैल्यू एट द इंटरवल पॉइंट्स इक्वल हो, तो वो कंडीशन किसकी होती है रोल्स थ्योरम की, वो कंडीशन किसकी होती है रोल्स थ्योरम। अगर आपने क्लास 12 में
डिफ्रेंशिएबिलिटी चैप्टर में हमने ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज शायद होगी, वहाँ पे रोल्स थ्योरम हमने की हो, तो उसकी कंडीशंस ये हैं कि फाई एक्स इज़ अ कॉन्टीन्यूस इन ए बी, फाई एक्स इज़ डेरिवेबल इन ए बी, अगर कोई फंक्शन हो एफ एक्स मान लेते हैं, तो अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस और डेरिवेबल और एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी हो, तो इसका मतलब कि ये तीनों कंडीशन किसकी हैं, रोल्स थ्योरम की। तो ये हमारा फाई एक्स जो फंक्शन है वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, फाई एक्स सेटिस्फाई ऑल कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम इन इंटरवल ए बी। तो अगर वो सेटिस्फाई करता है तो इसी इंटरवल में एक पॉइंट आएगा सी, सो देयर एग्जिस्ट वन रियल नंबर सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट फाई डैश सी इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो के। हमें पता है, हमने रोल्स थ्योरम स्टडी हुई है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था कि अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस डेरिवेबल एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी होगा, तो उसी इंटरवल में एक पॉइंट आएगा सच दैट जो फंक्शन का डेरिवेटिव है उस पॉइंट पे क्या होगा, इक्वल्स टू जीरो, फाई डैश सी इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर थ्री, ठीक है। तो अब इससे नेक्स्ट देखें क्या आएगा। देखो अब क्या करूँगा, इससे नेक्स्ट वाला स्टेप क्या करेंगे हम कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो क्यों, अब ये कंडीशन हमने लगानी है फाई डैश सी इक्वल्स टू, तो फाई का डेरिवेटिव तो चाहिए, हमारे पास ये फंक्शन है फाई एक्स हमारे पास फंक्शन है, बट इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करूँगा और एक्स की बजाय सी फिल करूँगा तभी हमारे पास फाई डैश सी आएगा ना। तो मैंने सीधा ही आपको बता दिया कि करना क्या है आगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर वन को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करूँगा बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट करूँगा तो फाई डैश एक्स आ जाएगा। तो हम क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट। अब देखो डिफ्रेंशिएशन को मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना। देखो अब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड फाई डैश एक्स आ गया, ठीक है, तो फाई डैश एक्स आ गया। अब राइट हैंड साइड की बात करता हूँ, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स आ गया। अब ये है यू इंटू वी का फॉर्मूला, यहाँ पे क्या है, यू इंटू वी का फॉर्मूला, तो यू इंटू वी। अब u की डिफ्रेंशिएशन की, बी माइनस एक्स थी माइनस वन, तो एफ डैश एक्स ऐसे रह गया। अब बी माइनस एक्स छोड़ दिया तो एफ डबल डैश एक्स आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब देखो वन अपॉन फैक्टोरियल टू कॉन्स्टेंट था, वो मैंने बाहर ही लिख लिया, वन अपॉन फैक्टोरियल टू। ये स्टेप कहीं पे आपको डिस्क्राइब नहीं किए होंगे, तो मैंने इसको अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर दिया ये स्टेप्स, ठीक है। तो वन अपॉन फैक्टोरियल टू, अब ये दोनों फंक्शन आ गए, ये दोनों, ठीक है, यू इंटू वी। अब इसका डेरिवेटिव यू का करूँगा तो टू बी माइनस एक्स, टू बी माइनस एक्स, तो बी माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना आ गया, माइनस वन, तो एफ डबल डैश एक्स ऐसे ही आ गया हमारे पास, ठीक है। तो उसके बाद, ठीक है, तो प्लस बी माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया और उसको छोड़ दिया, तो एफ डबल डैश का डेरिवेटिव अगेन हो गया, तो एफ ट्रिपल डैश एक्स आ गया। अब सो हम चलते चलते हम कहाँ पे आ गए, यहाँ पे, ठीक है। तो वन अपन फैक्टोरियल एन माइनस वन मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है, वो कांस्टेंट टर्म थी। अब इसका डेरिवेटिव करूँगा बी माइनस एक्स का पावर एन माइनस वन का डेरिवेटिव, एन माइनस वन आ गया बी माइनस एक्स पावर एन माइनस टू। अब बी माइनस एक्स की वैल्यू डेरिवेटिव किया तो माइनस वन आ गया, तो साथ में आ गया एफ ऑफ एन माइनस वन एक्स। अब प्लस बी माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन छोड़ दिया, तो एफ ऑफ एन माइनस वन का डेरिवेटिव क्या आ गया, एफ ऑफ एन। चेक कर लो, क्योंकि डेरिवेटिव इंक्रीज वैल्यू में जाता है, दैट मीन्स इंक्रीज वैल्यू में जाता का मतलब नहीं, अगर नेक्स्ट से नेक्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो हम एक एक बढ़ाते जाते हैं, कि जैसे वन का डेरिवेटिव किया टू, y1 का डेरिवेटिव y2 का 3, तो f ऑफ n माइनस वन का क्या आ गया, प्लस वन कर दिया तो f ऑफ n आ गया, तो हमारे पास ये आ गया। अब लास्ट टर्म की बात करूँ, वन अपन फैक्टोरियल n ऐसे कैसे, अब इसका b माइनस एक्स, ए तो कौन सा, बी माइनस एक्स की पावर n का n, b माइनस एक्स की पावर n माइनस वन, और b माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन, और साथ में क्या आ गया a। ये हमारा इक्वेशन नंबर वन को मैंने डेरिवेटिव कर दिया, यहाँ पे फाई डैश एक्स एफ डैश एक्स और यू इंटू वी, वन पर फैक्टोरियल टू यू इंटू वी, वन पर फैक्टोरियल एन माइनस वन यू इंटू वी, और ये हमारे पास फैक्टोरियल और ए कॉन्स्टेंट है, तो बी माइनस एक्स की पावर एन का ही डेरिवेटिव किया हमारे, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो इससे नेक्स्ट देखो क्या है, अब देखो क्या गया, फाई डैश एक्स इक्वल्स टू एफ डैश एक्स, अब माइनस वन एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स प्लस बी माइनस एक्स एफ डबल डैश एक्स प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू। अब ये जब वन अपॉन फैक्टोरियल टू इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो वन अपॉन फैक्टोरियल टू की वैल्यू क्या है, टू, तो टू से टू कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस बी माइनस एक्स
एफ डबल डैश एक्स प्लस वन अपन फैक्टोरियल टू, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ मल्टीप्लाई, वन अपन फैक्टोरियल टू मल्टीप्लाई किया तो क्या गया, वन अपन फैक्टोरियल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर एफ ट्रिपल डैश एक्स आ गया, ठीक है, एफ ट्रिपल डैश एक्स आ गया, ठीक है। तो उसके बाद प्लस सो ऑन वन अपन फैक्टोरियल एन माइनस वन, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा वन अपन फैक्टोरियल एन माइनस वन और मल्टीप्लाइड इस टर्म को इस टर्म के साथ, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब देखो अगर मैं आपको लिटिल बिट एक्सप्लेन कर दूँ थोड़ा सा, अब देखो अगर मैं किसी टर्म को ऐसे मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो क्या है कि वन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन और साथ में आ रहा है एन माइनस वन और हमारे पास क्या आ रही टर्म बी माइनस एक्स की पावर एन माइनस टू और माइनस वन f ऑफ n माइनस वन एक्स, ये हमारे पास टर्म आ रही है, चेक कर लो कि अब वन अपन फैक्टोरियल n माइनस वन को मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ तो यही टर्म बनी। तो वन अपन फैक्टोरियल n माइनस वन को क्या मैं लिख सकता हूँ ऐसे n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस टू और साथ में n माइनस वन, ये आ रहा है तो ये कैंसिल हो गए, तो वन हमारे पास क्या वन अपन फैक्टोरियल n माइनस टू रह गया, वन अपन फैक्टोरियल n माइनस टू रह जाएगा, ठीक है, चेक कर लो इस टर्म। अब मैंने वन अपन फैक्टोरियल माइनस वन को अब मल्टीप्लाई किया तो इस टर्म के साथ प्लस फिर इसके साथ करूँगा, पहले इस टर्म की बात कर रहा था, तो फैक्टोरियल एन माइनस वन को मैंने क्या लिख दिया एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस टू, तो एन माइनस वन से एन माइनस वन कैंसिल तो बी माइनस एक्स की पावर एन माइनस टू मेरे पास क्या बढ़ गया, देखो माइनस, अब देखो माइनस बी माइनस एक्स की पावर एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस टू एफ ऑफ एन माइनस वन एक्स प्लस, अब वन अपन फैक्टोरियल एन माइनस वन को फिर से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, अब देखो क्या आ गया वन अपन फैक्टोरियल एन माइनस वन को फिर से मल्टीप्लाई कर रहा था, ठीक है, वन अपन फैक्टोरियल एन माइनस वन मल्टीप्लाई बी माइनस एक्स की पावर एन माइनस एफ ऑफ एन एक्स, वन अपन फैक्टोरियल एन माइनस वन बी माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन एफ ऑफ एन एक्स, तो ये हमारे पास टर्म आ गई। अब साथ में अब देखो वन अपन फैक्टोरियल एन और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा है एन, वन अपन फैक्टोरियल एन को मैं क्या लिखूंगा एन फैक्टोरियल एन माइनस वन, एन से एन कैंसिल हो जाएगा और बाकी टर्म मैंने यहाँ पे लिखी माइनस बी माइनस एक्स पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन ए आ गया मेरे पास, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब देखो ये वैल्यू आई किसकी फाइव डैश एक्स की, ये क्या है फाइव डैश एक्स, अब मैं इसको आपको फाइव डैश एक्स कैसे लिखना है ये देखो मैंने कंक्लूड करके लिख दिया यहाँ पे, अब ये आया कैसे, अब देखो क्या लिखा हुआ है कि फाइव डैश एक्स टू एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स, इसके इस टर्म के साथ इस टर्म को कैंसिल कर दूंगा, ठीक है, ये हो गया। अब बी माइनस एक्स एफ डबल डैश एक्स और माइनस बी माइनस एक्स एफ डबल डैश एक्स, ये टर्म कैंसिल होगी, ऐसे ही करते करते हमारी सारी की सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास ये लास्ट टू टर्म्स बच जाएंगे। अब ये लास्ट टू टर्म्स बच जाएंगे क्योंकि इस टर्म के साथ ये टर्म कैंसिल हो गई, ये टर्म के साथ ये टर्म कैंसिल हो गई, इसके साथ इससे नेक्स्ट वाली, इसके साथ इससे नेक्स्ट वाली और इसके साथ इससे नेक्स्ट वाली, ये प्लस की और माइनस की टर्म्स कैंसिल होगी, हमारे पास ये दो टर्म्स बचेंगे ये और ये वाली, ठीक है, ये दो टर्म्स बचेंगे। अब हम ये बच गई हमारे पास टर्म्स तो हम क्या लिखेंगे, ये देखो क्या आ गया कि बी एफ आई डैश एक्स इक्वल टू बी माइनस एक्स पावर एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल, ये देखो बी माइनस एक्स पावर एन माइनस फैक्टोरियल एन माइनस वन एफ एन एक्स और माइनस बी माइनस एक्स पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन ए आ गया मेरे साथ फाइव डैश एक्स एक्स। अब देखो बी माइनस एक्स पावर एन माइनस वन पर फैक्टोरियल एन माइनस वन दोनों में से कॉमन है, बी माइनस एक्स पावर एन माइनस वन पर फैक्टोरियल एन माइनस वन दोनों में से कॉमन आ गया और आ गया फाइव एन एक्स माइनस ए, अब ये वैल्यू आ गई। अब ये आ गया फाइव डैश एक्स, मुझे क्या फाइंड आउट करना था, अगर आपको याद हो तो हमें फाइंड आउट क्या करना था, देखो हमें क्या फाइंड आउट करना था मैं आपको बता देता हूँ, देखो क्या लिखना था फाइव डैश सी, तो अगर फाइव डैश एक्स तो आ गया तो फाइव डैश सी कैसे आएगा, एक्स की बजाय मैंने सी पुट कर दिया तो क्या आ गया बी माइनस सी की पावर एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन एफ एन सी माइनस ए, तो अब फाइव डैश सी इक्वल क्या है जीरो के, इक्वल टू क्या है जीरो के, अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम हमने कंडीशन सेटिस्फाई कर ली फाइव एक्स की तो रोल्स थ्योरम लग गई तो फाइव डैश सी। अब क्या लिख गया कि ये जो फाइव डैश सी ये सारी की सारी टर्म इक्वल टू क्या हो गई जीरो के बिकॉज ऑफ इक्वेशन थ्री, क्योंकि इक्वेशन थ्री क्या थी हमारे पास फाइव डैश सी इक्वल टू क्या है जीरो के, तो ये आ गया दिस इंप्लाइज दैट देखो अब ये जीरो तो इस टर्म को यहाँ पे ले जाऊंगा यहाँ तो ये जीरो यहाँ ये जीरो तो ये जीरो करूंगा तो एफ एन सी माइनस ए इक्वल टू क्या होगा जीरो तो एफ एन सी इक्वल टू क्या आ गया ए। अब ए की वैल्यू ये आ गई हमारे पास ए की वैल्यू क्या है एफ एन सी,
तो ये वैल्यू ए की वैल्यू मैं कहाँ पे पुट दिस वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में पुट करूँगा, क्योंकि अब देखो इक्वेशन टू क्या थी हमारे पास एफ ओ बी, इक्वेशन टू में मैं वैल्यू पुट कर दूंगा ए की। ए की वैल्यू क्या है देखो, राइट हैंड साइड हमारे पास एफ ओ बी है और लेफ्ट हैंड साइड ये सारी की सारी, यहाँ पे वहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दूंगा। ए की वैल्यू पुट की तो एफ एन सी आ गया हमारे पास। तो ये क्या आ गया देखो, एफ ओ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए बी माइनस एफ डैश ए बी माइनस ए स्क्वायर परफेक्ट ओवर टू एफ डबल डैश ए प्लस सो ऑन बी माइनस ए पावर एन माइनस फैक्टोरियल एन माइनस एफ एन माइनस वन ए बी माइनस ए पावर एन फैक्टोरियल एन एफ एन सी हैंस प्रूव। तो यही तो हमने प्रूव करना था, चेक कर लो, ये देखो ये स्टेटमेंट है और ये हमारा प्रूफ आ गया, ठीक है। ये स्टेटमेंट थी तो क्या लिखा था कि एफ ओ बी इज गुड एफ ऑफ ए बी माइनस एफ डैश ए बी माइनस ए स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए। तो यही हमारी स्टेटमेंट थी, यही हमने प्रूव कर लिया। तो ये था हमारा टेलर्स थ्योरम का प्रूफ विद लग्रेंज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। अब वो क्यों, क्योंकि ये जो हमारा ये फैक्टर आ रहा है लास्ट में, ये रिमाइंडर फैक्टर, दिस इज कॉल्ड लग्रेंजिस रिमाइंडर। अगर कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि एक्सपेंड टेलर थ्योरम एंड फाइंड लग्रेंजिस रिमाइंडर आल्सो, ठीक है, कि टेलर्स थ्योरम को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करो और उसके साथ हमें लग्रेंजिस रिमाइंडर की वैल्यू भी बताओ। तो ये हमारा क्या आ गया, लग्रेंजिस रिमाइंडर इफ द इंटरवल इज ए बी, इफ द इंटरवल इज ए बी। हमारे पास हमने प्रूव किया इन द इंटरवल ए बी, ए बी रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, इन द इंटरवल ए बी, तो बी माइनस ए पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन एफ एन सी इक्वल टू क्या आर एन के लिखा, आर एन लग्रेंजिस रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स। ये था हमारा प्रूफ, ठीक है, इस थ्योरम का। अब मैं एक और बात बता सकता हूँ कि अगर अब तो हमने कंसिडर किया था कि इंटरवल ए बी, कई बार कहीं कहीं बुक्स पे इंटरवल कुछ और भी कंसिडर किया हो सकता है। देखो अनदर फॉर्म मैं बता देता हूँ इसी थ्योरम की, ठीक है, अनदर फॉर्म। अब चेक कर लो, ये था हमारा स्टेटमेंट, ये तो हमारी थी स्टेटमेंट, ठीक है, तो इसकी मैंने अनदर फॉर्म बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब देखो अनदर फॉर्म में, या ये प्रूफ किया कि इंटरवल ए बी में, ये प्रूफ क्या किया इंटरवल ए बी में। अब क्या है कि इफ फंक्शन एफ इज अ फंक्शन इन इंटरवल ए ए प्लस एच, अगर ए बी की बजाय ये इंटरवल ए बी था पहले हमने प्रूफ किया, तो अगर ए ए प्लस एच, तो बी क्या आ गया हमारे पास ए प्लस एच आ गया डायरेक्टली, हमें इसको कोई मतलब परेशानी वाली बात ही नहीं है कि अगर हमें इसमें कोई डाउट हो जाए, ठीक है। तो क्या है ए ए प्लस एच, तो ए और b की बजाय क्या आ गया a प्लस एच, तो एफ एक्स एफ डैश एक्स एफ एन माइनस आर कॉन्टिन्यूज इन इंटरवल, एफ एन एग्जिस्ट इन इंटरवल, यही हमने पहले भी दिया था। देन देयर एग्जिस्ट वन रियल नंबर थीटा, वहाँ पे मैंने c कंसिडर कर लिया था, यहाँ पे मैंने थीटा कंसिडर कर लिया, क्योंकि a a प्लस एच कोई और इंटरवल हमने कंसिडर किया, तो थीटा थीटा लाइज बिटवीन 0 टू 1, थीटा लाइज बिटवीन 0 टू 1 सच दैट एफ ऑफ a प्लस एच। अब देखो यहाँ पे क्या था, एफ ऑफ b इंटरवल क्या था ए बी, तो मैंने आपको जस्ट माइनस सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं आपको, क्या कि एफ ऑफ ए प्लस एच, तो वहाँ पे क्या था एफ ऑफ बी, तो क्या आ गया एफ ऑफ ए, यहाँ पे ए बी इंटरवल था पहले, तो अब ए ए प्लस एच, तो एफ ओ बी की जगह एफ प्लस ए प्लस एच, एफ ऑफ ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी, वहाँ पे इंटरवल ए बी था तो बी माइनस ए, तो यहाँ पे इंटरवल क्या है ए प्लस एच a टू a प्लस एच, तो अगर ये b है और ये a है, तो अगर मैं आपको लेट करके बताऊँ तो b माइनस ए क्या आएगा a प्लस एच माइनस ए, a प्लस एच माइनस ए, तो a से a कैंसिल होगा तो b माइनस ए की वैल्यू h ही बनेगी, तो हमारे पास जहाँ भी b माइनस ए है वहाँ पे h मिल कर दिया, यहाँ पे h f डैश a h स्केयर अपॉन फैक्टोरियल टू b माइनस ए का स्केयर था वहाँ पे फैक्टोरियल टू f डबल डैश a, सो ऑन b माइनस ए की पावर n माइनस वन थी, तो h की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन f ऑफ n माइनस वन ने, तो यहाँ पे b माइनस ए की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, h की पावर n अपॉन फैक्टोरियल f ऑफ n a प्लस थीटा h, यहाँ पे f ऑफ n c आ रहा था, वहाँ पे यहाँ पे आ रहा है a प्लस थीटा h, ठीक है। अब देखो अगर इस इंटरवल के अकॉर्डिंग प्रूव करना है, तो हमें करना तो वही है सारा कुछ, ठीक है, तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे ऐसे ही कि जहाँ पे हमारे पास फंक्शन था इंटरवल ए भी था, तो लास्ट में कंसिडर कर लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा सच दैट फाइव ऑफ ए इक्वल्स टू फाइव ऑफ बी लिखा था हमने, फाइव ऑफ ए इक्वल्स टू फाइव ऑफ बी लिखा था, तो वहाँ पे हमारे पास इंटरवल क्या है
ए टू ए प्लस एच, तो हम वहाँ पे अ लिटल बिट माइनस सा चेंज कर देंगे, ठीक है। तो अब चेंज कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू भी बन जाएगी। तो ये था हमारा अनदर फॉर्म, ठीक है। अब किसी यहाँ पे हमारे पास टेलर्स थ्योरम इन द इंटरवल ए बी, अगर आपको एग्जाम में प्रूव करना है तो हम ए बी इंटरवल से ही ज़्यादातर प्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा, तो इसके बाद जहाँ पे हमें लैग्रैन्ज मैटर मिला था, ये हमारे पास ये लैग्रैन्ज मैटर आ गया। तो क्या आ गया, बी इक्वल्स टू ए प्लस एट और सी इक्वल्स टू ए प्लस थीटा एट, जहाँ पे हमने फाई डैश सी कंसिडर किया था। अब देखो, ये देखो, लास्ट में हमने फाई डैश सी इक्वल्स टू जीरो, रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास फाई डैश सी इक्वल्स जीरो। तो अगर मैं इस इंटरवल के अकॉर्डिंग जाऊंगा तो मैं क्या कंसिडर करूंगा, सच दैट फाई डैश सी कंसिडर किया तो ए प्लस थीटा एच इक्वल्स टू जीरो, तो ये कंसिडर कर लूंगा और कुछ नहीं। मैं क्या करूंगा, जहां पे फाई डैश सी इक्वल्स टू जीरो कंसिडर किया था वहां पे क्या कंसिडर करूंगा, फाई डैश ए प्लस थीटा एच इक्वल्स टू जीरो। तो बाकी प्रूफ वही का वही सेम रहेगा, ठीक है। और आज तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा कि टेलर्स थ्योरम विद द लैग्रैन्ज फॉर्म, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इस थ्योरम को अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस के ऊपर, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।